तो चलिए ट्रेड वर्ल्ड के कुछ मॉक टेस्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप इन क्वेश्चन की ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं वेल्डिंग टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस डीप पेनिट्रेशन वेल्ड, यानी कि किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ या बहुत ज़्यादा लॉन्ग आर्क लेंथ। तो राइट आंसर क्या होगा सोचिएगा। गहरी पेनिट्रेशन प्राप्त करनी है, आर्क की लंबाई बतानी है, तो इसमें हम यूज करेंगे शॉर्ट आर्क लेंथ का। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल शो इन सी। सी में जो सिंबल दिखाया गया है वो किस प्रकार का है ये बताना है। इसको ध्यान से देखिएगा, सी में दिखाया गया है एक ट्रायंगल टाइप का है और उसके ऊपर एक कनकेव। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में देखिए ध्यान से, कनकेव फ्लैट, कन्वेक्स डबल वी, फ्लैट सिंगल वी बट या फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड विथ बैकिंग रन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसे कहते हैं कनकेव फिलेट, जो कि टी जॉइंट में, लेफ्ट जॉइंट में या कोरोनर जॉइंट में यूज किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस शॉर्ट आर्क लेंथ, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड या सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड के ऊपर हैवी कोटिंग यूज़ की जाती है तो उसे यूज़ किया जाता है शॉर्ट आर्क लेंथ के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द एसेसरीज शुड बी वर्न ड्यूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग। यदि आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप कौन सा उपकरण पहनेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, हेलमेट, सनग्लास, हैंड स्क्रीन या वेल्ड गॉगल्स। देखिए जब आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के स्प्रेडर आपके ऊपर आ सकते हैं, तो इसलिए सर के बचाव के लिए यूज़ करेंगे हेलमेट का। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ यूज्ड इन थिन शीट मेटल, यानी कि पतली शीट धातुओं को किस प्रकार की आर्क लंबाई के साथ उपयोग किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि पतली शीट के लिए हम कौन सी आर्क लेंथ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ या डीप शॉर्ट आर्क लेंथ, बहुत ज़्यादा छोटी आर्क। तो राइट आंसर क्या होगा, शीट पतली है, यूज़ करेंगे लॉन्ग आर्क का, क्योंकि जो आपका एयर गैप रहेगा यानी कि आर्क लेंथ रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि पतली शीट नहीं गलेगी और उसमें ठीक से आप आसानी से वेल्ड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्ड। ये आपको एक सिंबल दिखाया गया है, ये किसका सिंबल है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्पोर्ट वेल्ड, अगर ये स्पोर्ट वेल्ड होता तो ये सिंबल गोल होता, तो स्पोर्ट वेल्ड नहीं हो सकता। दूसरा फ्लैट वेल्ड, फ्लैट वेल्ड का सिंबल ट्रायंगल के रूप में होता है तो ये भी नहीं हो सकता। सिंगल जे जॉइंट, जे बट, ये सिंगल जे बट भी नहीं हो सकता। इसके बाद यह है बैकिंग रन वेल्ड, बैकिंग रन का मतलब है जो आपका वेल्ड है वो नीचे की तरफ है, तो ये ऑप्शन सही होगा डी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल बट जॉइंट। डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कितना एंगल होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री या 20 डिग्री। इसके लिए जो एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्हाट आर्क लेंथ शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द स्पेटर। स्पेटर को कम करने के लिए
किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ या टू लॉन्ग आर्क लेंथ। जब हमें स्प्रेडर कम चाहिए होता है, वेल्डिंग सही करनी होती है, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं सामान्य आर्क का, यानी कि नॉर्मल आर्क लेंथ। इससे क्या होगा कि आपकी स्प्रेडर भी कम आएंगे और वेल्डिंग भी अच्छा होगा। इसके लिए प्रयोग करते हैं नॉर्मल आर्क लेंथ। नॉर्मल आर्क लेंथ कितनी होना चाहिए? जितना आपका इलेक्ट्रोड है, जो उसका कोर व्यास है, जितने एमएम का होगा लगभग इतने एमएम का उसमें गैप रखेंगे, जिसे कहते हैं सामान्य आर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ग्रो ज्वाइंट के ऊपर एक चमकीय पोल रखकर किस दोष को नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाई कीपिंग ए मैग्नेट ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रो ज्वाइंट। ऑप्शन दिए गए हैं आर्क ब्लो, डिस्टर्शन, अनवांटेड बेड या स्लैक इंक्लूजन। देखिए, जब इसमें मैग्नेट फील्ड बन रहा है तो ये होता है डीसी वेल्डिंग करते समय, तो इसमें प्रॉब्लम आती है आर्क ब्लो की, यानी कि ऑप्शन ए। इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें हम एक चुंबकीय पोल रखते हैं, जिससे इस फॉल्ट को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। इसके और भी कई तरीके होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा? विच डिफेक्ट विल ओकर व्हेन द इक्विपमेंट इज चेंज फॉर एसी टू डीसी सप्लाइंग आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन दिए गए हैं आर्क ब्लो, ओवरलैप, वेल क्रैक या डिस्टॉर्शन। जब आप डीसी वेल्डिंग कर रहे हैं और उसमें दोष आता है आपका आर्क ब्लो का, तो राइट आंसर होगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन ए वेल्डिंग मशीन। ऑप्शन दिए गए हैं रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग मशीन को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं रेक्टिफायर सेट का, राइट आंसर होगा ए। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करती है। एसी यानी के अल्टरनेटिव करंट, डीसी यानी के डायरेक्ट करंट, कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजिशन। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का एंगल कितना रखना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं 60 से 70 डिग्री या 60 से 80 डिग्री या 80 से 90 डिग्री या 90 से 100 डिग्री। यदि आप वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि रखेंगे एंगल 80-90, जिससे आपकी वेल्डिंग बहुत अच्छी होगी। चाहे आप वेल्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ करें या ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकल पोजीशन में एंगल रखेंगे 80-90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? अलोह धातुएं यानी कि नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। इन जितने भी नॉन फेरस मेटल होते हैं, इनको वेल्डिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिवर्स पोलैरिटी का, यानी कि विपरीत ध्रुवता का। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। किस प्रकार की आर्क गुनगुना ध्वनि पैदा करती है? ऑप्शन दिए गए हैं लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ या टू लॉन्ग आर्क लेंथ, बहुत ज़्यादा लंबी आर्क। हमिंग साउंड जो आती है वो आती है लॉन्ग आर्क के कारण, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन एल्युमिनियम वेल्डिंग। एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, एल्युमिनियम क्या है,
एक नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी। तो आपको बताना है इसमें कौन सी पोलैरिटी यूज़ करेंगे। राइट आंसर होगा इसका सी, यानी कि रिवर्स पोलैरिटी, क्योंकि एल्युमिनियम भी एक नॉन फेरस मेटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन दिए गए हैं लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ या टू लॉन्ग आर्क लेंथ। देखिएगा साउंड कौन सी होती है, पॉपिंग साउंड यानी कि कड़क ध्वनि, यह आती है शॉर्ट आर्क लेंथ में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोलैरिटी इज यूज इन वेल्डिंग विथ हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, HRI और सुपर भरे कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं एसी ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी या एसी मोटर जनरेटर। जब आप सुपर कोटेड इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा बी, रिवर्स पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग 50 mm डाया। यदि आप 50 mm मोटे व्यास वाले पाइप को वेल्ड कर रहे हैं और उसकी जो थिकनेस है, वाल थिकनेस, वो 3.15 mm है, तो उसके लिए कौन सी नोजल आकार का चयन करेंगे। नोजल के नंबर होते हैं अलग अलग, इसके लिए यूज करेंगे हम 7 नंबर नोजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इन यूज इन टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए जब हम टिक वेल्डिंग करते हैं तो इसमें यूज करते हैं इनर्ट गैस का, इसलिए इसका नाम भी रखा जाता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इनर्ट गैस कौन सी होती है, इनर्ट गैस है हीलियम। राइट आंसर होगा ए। ऑप्शन दिए गए इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस हमेशा जलने में हेल्प करती है, वो गैस इनर्ट गैस नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा ए, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट। वेल्ड मेटल प्लेट के सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं लेग लेंथ, फ्यूजन जोन, पेनिट्रेशन या हीट अफेक्टेड जोन। देखिए जो मेटल की जो आपका जॉब है या आपकी जो प्लेट है, जो उसका सरफेस है, उससे लेकर के जो नीचे की तरफ तक मेटल को पहुँचता है गहराई तक, यानी कि जो पिघल कर मेटल पहुँचता है, उसे कहा जाता है पेनिट्रेशन। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कन्वर्जन फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, रेक्टिफायर काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एसी टू एसी, बी डीसी टू डीसी, सी एसी टू डीसी और डी दिए गए हैं डीसी टू एसी। तो काम क्या होता है इसका, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ वेल्ड फिनिश सिंबल। एक आपको चित्र दिखाया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चित्र को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं कन्वेक्स सिंबल, कंटूर सिंबल, कनकेव सिंबल या कंटूर सरफेस चिप्ड। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं 50 to 70, 60 to 70, 70 to 80 या 80 to 90 डिग्री। राइट आंसर होगा 72 degrees।